हाँ जी अजय, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, हमारे डाटाबेस फंक्शंस हैं। डाटाबेस फंक्शंस में है कि मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने दिया है प्रोडक्ट, ब्रांड, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू मैंने लिखा है, और ब्रांड आपको दिए है। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेरे पास तीन प्रोडक्ट है। तीनों प्रोडक्ट के मैंने दो ब्रांड दिए हैं, एक आपका डेल कंपनी का है और एक आपका सैमसंग कंपनी का है। जैसे आपके पास एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपके पास एक है डेल कंपनी का, एक कीबोर्ड आपके पास सैमसंग कंपनी का पड़ा। और यहाँ पे सबकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 2, 3, 4 अलग अलग तरह की क्वांटिटी है जो आपके पास शो हो रही है। और यहाँ पे रेट आ रही है, सारी मैंने अलग अलग रेट लिखे हैं। जैसे कीबोर्ड डेल कंपनी का है 1200 का, माउस डेल कंपनी का है 500 का, सीपीयू डेल कंपनी का है 1200 का, कीबोर्ड सैमसंग का है, ऐसे सबके अलग अलग रेट लिखे हैं। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट आपकी कैसे आएगी, मैंने क्या किया है, क्वांटिटी और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, इक्वल टू C6 मल्टीप्लाई बाय D6, कि आपने C6 और D6 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये वाला आंसर आता है। यहाँ पे मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाने हैं ये बोले डाटाबेस फंक्शंस। डाटाबेस फंक्शंस मेनली हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने अपने स्टोर की चीज, अभी बता सतविंदर ये अमाउंट, ये वाला फॉर्मूला कह रहे हो आप? हाँ जी मैम, ये वाला। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, आपने क्या करना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी है ये बोले, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट के साथ। एंटर किया, ये आ गया। ओके, इसके बाद इस फॉर्मूला को हम ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास ये कॉपी आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट अब हम करने हैं फॉर्मूलास। फॉर्मूलास ये आपकी इसमें डी सम, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिनिमम एंड डी कम, ये वे फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये आपके हैं डाटाबेस फंक्शंस। डाटाबेस फंक्शंस हम यूज करते हैं, जैसे मान लो आपका एक स्टोर है, स्टोर में आप अलग अलग डीलर, आवाज बहुत कम आ रही है, आपके पास अलग अलग ब्रांड के पड़े हैं। तब सबसे पहले हमने करना है डी सम का। डी सम का फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए। ये जैसे मैंने टोटल देखना है डाटाबेस का, मतलब हम यहाँ पे लेंगे इस डाटाबेस का, मतलब हम यहाँ पे लेंगे ये वाला डी सम। इसके बाद कॉमा आएगा, इसके बाद आएगा फील्ड। फील्ड का मतलब हम यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी ले सकते हो, रेट ले सकते हो, या फिर अमाउंट आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अमाउंट ली कि मुझे अमाउंट का टोटल देखना है। अब किसकी अमाउंट का टोटल देखना है आपने? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है कि जो आपने डी सम का मतलब है डाटाबेस में से आपने टोटल करना है। डाटाबेस मैंने लिया पूरा टेबल, इसके बाद फील्ड ले लिया, फील्ड का मतलब है अमाउंट, देन A5 to A6 मीन्स क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया मीन्स किसका आपने अमाउंट का टोटल देखना है। ठीक है, डी सम मीन्स टोटल, अपने अमाउंट का टोटल देखना है। किसका देखना है? कीबोर्ड का टोटल देखना है। तो इसका ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ये हमें कीबोर्ड की अमाउंट का टोटल बता दें। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 8400। अब 8400 आपका कैसे आया? एक तो कीबोर्ड का टोटल बताना था उसने, कीबोर्ड की अमाउंट का, एक जो 2400 और एक ये 6000, ये भी कीबोर्ड आपका है। क्योंकि हमने उसको मेंशन नहीं किया कि कीबोर्ड हमें डेल कंपनी का टोटल चाहिए, हमें उसको बोला कि कीबोर्ड का टोटल चाहिए। उसने कीबोर्ड का टोटल हमें कैसे बताया, 2400 एंड 6000, इन दोनों को उसने प्लस कर दिया। इन दोनों का प्लस करके उसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8400। अब इसके बाद ऐसे ही जब आपने लेना हो पर्टिकुलर कि कीबोर्ड आपको डेल कंपनी का चाहिए, आप कैसे करोगे, इक्वल टू सम दिया हमने, इक्वल टू डी सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद डाटाबेस दे दिया। ये डाटाबेस आ गया। डाटाबेस को समझ लो, डाटाबेस का मतलब पूरा टेबल आएगा। फील्ड का मतलब, फील्ड मतलब कि आपने जिसका भी सम लेना है, आप क्वांटिटी का सम ले सकते हो, आप फील्ड का, रेट का सम ले सकते हो, आप अमाउंट का सम ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी अमाउंट का टोटल ही आपको बताया है, अमाउंट। ठीक है, कॉमा लिया, इसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में अब हम क्या चाहते हैं कि जो कीबोर्ड है डेल कंपनी का, सब उसकी अमाउंट का टोटल बताए।
ठीक है, जो टीवो डेल कंपनी है उसके अमाउंट का टोटल बताए तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास कितना है, आपको क्लियर है ये तो 2400 ही है ना, तो यहाँ पे आपको आंसर 2400 ही आपको बता देगा। ये हम इस तरीके से क्राइटेरिया जो भी मर्जी दे सकते हैं, ये आपका आ गया। अब मान लो आपने कीबोर्ड, आपने जो टोटल लेना है वो आप सीपीयू डेल कंपनी का चाहते हैं, जो सीपीयू का चाहिए, आप कहोगे मैम ये अब कैसे लेंगे सेलेक्ट, मतलब इसको सिलेक्ट करोगे तो ये भी आ रहा है सिलेक्ट हो रहा है कीबोर्ड और माउस भी, बट हमें क्या चाहिए, ओनली सीपीयू चाहिए। तो उसके लिए क्राइटेरिया आप यहाँ पे लिखोगे, आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखा प्रोडक्ट और इसका क्राइटेरिया हमें अलग से देना पड़ेगा यहाँ, ऐसे स्थिति में समझ में आ गया। अगर बीच में से कुछ भी लेना है आपने प्रोडक्ट तो उसका क्राइटेरिया आपको अलग से देना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने दिया डी सम इक्वल टू डी सम, ठीक है। डाटाबेस आपको क्लियर है, डाटाबेस का मतलब आ रहा है पूरा टेबल। इसके बाद है फील्ड, फील्ड हम ले रहे हैं अगेन अमाउंट का टोटल चाहिए मुझे, और इसके बाद मुझे सीपी, सीपीयू की अमाउंट का टोटल मुझे चाहिए। एंटर किया, ये आपको बता रहा है सीपीयू की अमाउंट का टोटल। अब ये देखो सीपीयू कहाँ पे पड़े हैं, ये पड़े हैं सीपीयू और ये सीपीयू है, इन दोनों का टोटल आपको कितना बता रहा है, ये आपके पास टोटल शो करते हैं। ये ला टोटल आपको कैसे शो हो रहा है, ये ला 48,000 और ये 65,000, आपका टोटल मिला के 1,13,000। समझ में आ गया, ये आपके डाटाबेस आपने किस तरीके से लेना है, इसमें डाटाबेस का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब क्या है और क्राइटेरिया का मतलब क्या है, ये सबको क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक आ रही है मैम, क्लियर नहीं, बताओ जल्दी से, मेरे पास किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। आपका डाटाबेस, आपको ये फॉर्मूला में जो डाटाबेस आ रहा है, फील्ड आ रहा है और क्राइटेरिया, ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि डाटाबेस का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब क्या है, क्राइटेरिया का मतलब क्या है। जब ये चीज क्लियर होगी तो आप फॉर्मूला आराम से करोगे, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट है डी एवरेज, डी एवरेज भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने टोटल निकाला, ऐसे ही मैंने लिखा डी एवरेज, डी एवरेज यहाँ पे भी आ रहा है। आपके सारे फॉर्मूला में यही चीज चलेगी, डाटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया, कोई बात नहीं विजय, ठीक है। डाटाबेस, डाटाबेस में आपका ये डाटाबेस आ गया पूरा, इसके बाद आपका फील्ड आ गया, फील्ड में अगेन, ठीक है, मान लो आपको क्वांटिटी का सम चाहिए, ठीक है, एवरेज, एवरेज में पहले अमाउंट भी दिखा देती हूँ, अमाउंट, इसके बाद प्रोडक्ट कीबोर्ड कि आप क्या चाहते हो, आपके पूरे डाटाबेस में से जो प्रोडक्ट कीबोर्ड है उसकी अमाउंट का एवरेज बताओ, जो एवरेज किसमें से बताना है, पूरी टेबल में से जो कीबोर्ड है उसकी अमाउंट का एवरेज बताओ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर कर दिया, ये कैसे बता रहा है 4200 क्यों आया, देखो कीबोर्ड आपके पास है 2400 और 6000, आपके पास कीबोर्ड है 24,000 एंड 600, ठीक है, इन दोनों को उसने क्या किया है, पहले टोटल किया इन दोनों का टोटल कितना है 8400 को उसने 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड दो तरह के हैं, एक कीबोर्ड डेल कंपनी का है, एक कीबोर्ड सैमसंग कंपनी का है, तो ये 2 है ना, 2400 एंड 6000, ये 2 है कीबोर्ड, तो इनका टोटल करके उसने 2 से डिवाइड कर दिया और ये आपकी एवरेज निकल आई। इस तरीके से एवरेज निकाली जाती है, ये एवरेज आप कीबोर्ड की भी ले सकते हो, माउस की भी ले सकते हो, सीपीयू की भी ले सकते हो। मान लो आपने माउस की एवरेज निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माउस, ठीक है, अब यहाँ पे लिखो इक्वल टू डी एवरेज, इसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, डाटाबेस, डाटाबेस में ये पूरा आ जाएगा डाटाबेस आपका, इसके बाद अमाउंट की एवरेज होती है, अमाउंट की एवरेज, अमाउंट लिया, क्राइटेरिया मैंने लिया है प्रोडक्ट कीबोर्ड की माउस, जो माउस है उसकी अमाउंट का एवरेज आपको बता दे, अमाउंट की एवरेज बता दी है ये इसमें कि ये माउस है 1500 का है माउस और एक 2400 का है, तो एवरेज आपने देखनी है, एवरेज क्या है कि 1950 एवरेज आपकी शो हो जाए, ये अमाउंट की एवरेज बता दी है। ऐसे आपके पास डी मैक्स, डी मिनिमम, डी काउंट आप कर सकते हो, डी मैक्स फॉर्मूला यूज होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इक्वल टू डी मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने करना है डाटाबेस, ये मैंने डाटाबेस लिया, फॉर्मा लिया, फील्ड, फील्ड अब मुझे चाहिए डेट,
मैं चाहती हूँ जो मैक्सिमम रेट पता करना है मुझे, यहाँ पे मैंने रेट दे दिया, ठीक है। क्राइटेरिया कीबोर्ड, कीबोर्ड का मैक्सिमम रेट आपको पता करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कीबोर्ड का मैक्सिमम रेट पता करना है। एंटर किया, ये देखो कीबोर्ड का मैक्सिमम रेट बता दिया। कीबोर्ड आपके पास एक 1200 का है, एक 1000 का है, कीबोर्ड मैक्सिमम रेट का उसने बता दिया। इसी तरीके से हम मिनिमम पता कर सकते हैं, डी मिन, ठीक है। डाटा बेस आ गया आपके पास, कॉमा हो गया, इसके बाद रेट आ गया, इसके बाद किसका आपने रेट पता करना है। कीबोर्ड लेना कीबोर्ड ले सकते हो, अगर माउस लेना है तो माउस ले सकते हो, आप जो मर्जी ले सकते हो मैक्सिमम रेट पता करना है। एक माउस है आपके पास 500 का, एक माउस है आपके पास 600 का, हमने क्या लगाया, मिनिमम वैल्यू लगाई, मिनिमम उसने 500 बता दी, ठीक है। अबे डी काउंट, कि काउंट करेगा, काउंट करेगा आपके पास कितने कीबोर्ड हैं, कितने टाइप के, कितने टाइप के माउस हैं, कितने टाइप के सीपीयू। तो डाटाबेस किया, कॉमा किया, इसके बाद फील्ड ले लिया हमने, और इसके बाद कीबोर्ड, मैंने ये काउंट करना है कि कीबोर्ड की अमाउंट कितने कीबोर्ड की है। ये आ गया टू, एक तो कीबोर्ड डेल कंपनी की अमाउंट है, एक कीबोर्ड सैमसंग कंपनी की अमाउंट है, ये आपने उसको काउंट करके आपको बता दिया। ये आपके थे डाटाबेस फंक्शंस, ये डाटाबेस आपके थे। अब अगर इसके आपने फॉर्मूला नोट करने हैं, फॉर्मूला कैसे नोट करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसकी पिक लोगे, 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 इस तरीके से आप नोट करोगे। पहले सारे इसमें इसकी पिक ले लो, फिर अलग अलग आप फॉर्मूला की भी पिक ले लेना, ताकि आपको फॉर्मूलाज भी क्लियर हो जाए और आप प्रैक्टिस कर सकते।